नगर पालिका कोंडागांव एवं नगर पंचायत फरसगांव के पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पहुंचे, जिनका मांतरी की थाप और फटाकों के साथ भव्य स्वागत हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को बधाई दी और अपने उद्बोधन में कहा कि एक पार्षद 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री और राज्यपाल बन सकता है, तो आप सभी पार्षद आमजन के हित में सच्ची निष्ठा से कार्य कर आगे बढ़े। वहीं पदभार के दौरान नगर पंचायत और नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हेम कुंवर व उपाध्यक्ष जस केतु उसेंडी तथा नगर पंचायत फरसगांव के अध्यक्ष गणेश दुग्गा, उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल को उनके स्थान पर बैठा कर आम जनता के लिए कार्य करने का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस ने घोषणा किया है तो 2500 रुपए यदि आपको लेना है तो कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं उनको हराना पड़ेगा, तभी आपको 2500 रुपए मिलेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और वही महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदेव नेताम हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, उनका गढ़ माना जाता है। क्या मानते हैं इनका हार का कारण? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2 प्रदेश अध्यक्ष को हराया है और ये मान लीजिए कि 1 साल में जनता ने यहाँ उनकी लोकप्रियता के मापदंड को नाप दिया है कि कितने ये लोकप्रिय सरकार है, कितना काम किया है। तो फरसगांव और कोंडागांव के जनता ने ये बता दिया है कि जिस उम्मीद के साथ में हमने आपको समर्थन दिया, लेकिन समर्थन देने के बाद में जो आपने वादा किया और जो वादा खिलाफी किया है, ये उसका जवाब जनता ने यहाँ पर दिया है। आज पूरे प्रदेश में वायदा कांग्रेस के द्वारा किया गया, चाहे वो 2500 रुपए में धान की खरीदी की बात करें, पूर्ण शराबबंदी की बात करें या वो कर्जा माफ़ी की बात करें, स्व सहायता समूह के कर्जे की माफ़ करने की बात करें, हमारे जो शिक्षा कर्मी हैं उनके नियमितीकरण की बात करें या जो बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की बात करें, आपके सामने में उनके सभी वायदे हैं, उनके घोषणा हैं। आप अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि 1 साल हो जाने के बाद में एक भी में जो पूर्णतः अमल होना चाहिए वो अमल नहीं हुआ। और ख़ास बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में सबसे यदि दयनीय स्थिति है और सबकी यदि कोई दुर्दशा है तो किसानों की हालत, किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। जिस प्रकार से रोज़ खरीदी में एक नए आदेश जारी करते हैं और आदेश जारी करने के कारण में अधिकारी भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की इन्होंने घोषणा की, लेकिन आज आधे धान की खरीदी इनकी नहीं हुई है। किसानों के धान निरस्त हो रहे हैं, रकबा में कटौती की गई है, किसान के धान वापस आ रहे हैं, टोकन के लिए अप्रोच लगाना पड़ रहा है, टोकन के नहीं हो रहा है। सबसे बेहाल स्थिति में किसान है और इसके कारण जनता ने ये जवाब दिया। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों के चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रही? भाजपा के नगरीय निकाय के मुकाबले में और मजबूत स्थिति में चुन करके आएगी, क्योंकि ग्रामीण एरिया में मुख्य रूप से ज़्यादा परेशान लोग हैं, शहरी एरिया में तो कम प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान जो है वो ग्रामीण एरिया में है। और आप देख लेंगे कि जो रिजल्ट आएगा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।